वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग को पहले से पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। इस प्रोसेस में बॉन्ड टूटता है और बनता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बॉन्ड टूटने और बनने के कारण होता है, इस प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनता है, उस बेसिस पर हम लोग किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म एसर्टेन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। हमें ये भी पता है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सीधे नहीं बदलता है, बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट होता है और इसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ये इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कार्बोकैटायन हो सकते हैं, कार्बनायन हो सकते हैं, कार्बिन हो सकते हैं, नाइट्रीन या बेंजाइन हो सकते हैं। ये जो इंटरमीडिएट्स बनता है, ये रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर निर्भर करता है। तो और बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसका मैकेनिज्म या तो पता नहीं है या ये डिबेटेबल है। तो इस तरह से हम लोग ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ये दो एग्जांपल यहाँ पर ये ले रहे हैं। पहला एग्जांपल है एक्वस हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। इसमें देख रहे हैं कि ये मिथाइल क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस मीडियम में रिएक्शन करता है और ये मिथाइल अल्कोहल बनाता है। और ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये पोलर कंपाउंड है। उसी तरह से दूसरा जो कंपाउंड लिया गया है, ये अल्केन है। ये क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके अल्काइल क्लोराइड बनाता है। और ये यहाँ देखते हैं कि ये जो अल्केन है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये देखते रहें कि दो तरह के कंपाउंड हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, एक पोलर कंपाउंड, एक नॉन पोलर कंपाउंड। इस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शंस होता है वो किस प्रकार होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रकार के ये मैकेनिज्म हो सकते हैं, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा पोलर या आयनिक मैकेनिज्म। अब हम लोग ये दोनों रिएक्शंस को ये डिस्कस करते हैं। पहला जो रिएक्शन है, इसमें देखते हैं कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड टूटा है और तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, कार्बन और OH बॉन्ड बना है। और ये जो रिएक्शंस है वो पोलर रिएक्शंस है, क्योंकि इसमें मिथाइल क्लोराइड जो है वो पोलर कंपाउंड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आयनिक कंपाउंड है। उसी तरह से जो दूसरा रिएक्शन है अल्केन और क्लोरीन का, इसमें दोनों ही नॉन पोलर कंपाउंड है। तो इसमें इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर या फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि जो नॉन पोलर कंपाउंड के द्वारा जो रिएक्शन होता है वो जनरली वो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होता है। अब ये रिएक्शन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से और दूसरा पोलर मैकेनिज्म से, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड। तो ये देखते हैं कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल भाग लेता है और जो पोलर रिएक्शन है उसमें
या तो पोलर कंपाउंड या आयंस पार्ट लेते हैं। तो इन दोनों के एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम लोग ये दो टाइप के ये रिएक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। पहला रिएक्शन है ये जो वो फ्री रेडिकल, जैसा कि डिस्कस किया गया है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो शुरुआत होती है वो या तो यूवी लाइट से होती है या हीट से हो सकता है या इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो सकता है। तो ये अब इसको हम लोग ये टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो फ्री रेडिकल देते हैं और ये जो फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस है वो डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम लोग ये दो तरह के यहाँ पर रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मेनली अल्केन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है अल्केन और ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो ये अल्काइल क्लोराइड बना है और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो जनरली तीन स्टेप में ये पूरा होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। देखो पहला स्टेप जो है वो इनिशिएशन का है, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल इसमें यूवी लाइट ये दिया जाता है तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में बदल जाता है और ये रिएक्टिव नेचर में होता है। ये अल्केन से रिएक्शन करता है और अल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है। ये अल्काइल फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है और अल्काइल क्लोराइड बनाता है। तीसरा जो स्टेप है वो चेन टर्मिनेशन का है। अगर ये टर्मिनेशन रिएक्शन ना हो, टर्मिनेशन स्टेप ना हो, तो ये रिएक्शन आगे से आगे चलते रहेगा और हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि टर्मिनेशन जो स्टेप है इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है, अल्काइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से अल्काइल क्लोराइड बनाता है और ये क्लोराइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बड़े अल्केन मॉलिक्यूल को बना देते हैं और नेट रिएक्शन जो है ये अल्केन का ये क्लोरीन से रिएक्शन करके अल्काइल क्लोराइड बनाता है और ये इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होता है। तो इस तरह से देखा कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये तीन स्टेप में पूरा होता है, इनिशिएशन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, और इसमें ये फ्री रेडिकल पार्ट लेते हैं। ये दूसरा जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकोफ में आता है, अल्किन का रिएक्शन। हम लोग जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट इसमें हमें मिलता है। इसे अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा रिएक्शन है पोलर रिएक्शन या और ये पोलर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें पोलर मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड जो है वो पार्ट लेता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, ये मिथाइल क्लोराइड, ये देखिए पोलर कंपाउंड है या और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आयनिक कंपाउंड है। ये दोनों रिएक्शन करके और ये मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसका रिएक्शंस हम लोग ये डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये दो स्टेप में ये पूरा होता है। एक तो ये जेनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसलिए पहला स्टेप जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का जेनरेशन होगा। जब तक ये न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं प्राप्त होगा तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा रिएक्शन इसमें जो स्टेप है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है और ये इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल
किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं। ये KOH इक्वस है और ये चूँकि आयनिक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए पोटेशियम आयन इक्वस और OH आयन इक्वस ये हमें प्राप्त होता है। और जो OH आयन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल हमें ये मिल गया है, अब ये न्यूक्लियोफाइल ये मिथाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा या रिएक्शन करेगा। अब देखते हैं कि ये जो है मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन इन दोनों के बीच में ये पोलर कैरेक्टर है और क्लोरीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल OH आयन है वो सामने से अटैक नहीं करेगा बल्कि वो बैक साइड से अटैक करेगा। और ये हमें ये ट्रांजिशन स्टेट हमें ये प्राप्त होता है जिसमें कार्बन ये पांच जो है वो ग्रुप से जुड़े होते हैं, और ये चूँकि ट्रांजिशन स्टेट है तो हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ये वापस स्टेबल स्टेट में आने के लिए यहाँ पर देखते हैं कार्बन क्लोरीन और कार्बन OH के बीच में ये डॉटेड लाइन है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है और कार्बन OH बॉन्ड फॉर्म होता है, और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि ये क्लोरीन पहले आगे में था, अब OH ग्रुप जो है वो पीछे में आ गया है, इसका मतलब जो इस कंपाउंड का जो है वो ये इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पर इसमें इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, मतलब मॉलिक्यूल्स के में जो अलग अलग ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ उनका कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट स्पेस में चेंज हो गया है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग ये SN2 रिएक्शन कहते हैं। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों मिलके डिटरमिन करते हैं। तो इस तरह की ये जो पोलर रिएक्शंस हैं, ये जो SN2 का एग्जांपल लिया गया है ये मोस्ट स्टडीड रिएक्शन है। इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं कि भी किसी भी रिएक्शंस का रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो डिस्कस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जैसा प्रोडक्ट होगा उस बेसिस पर उस कंपाउंड का वो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं इथाइल क्लोराइड का अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है, ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर इस यही इथाइल क्लोराइड का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इथिलीन बनता है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो दोनों केस में ये मोड ऑफ रिएक्शंस बदल गया है, प्रोडक्ट अलग अलग है, एक में इथाइल अल्कोहल है और दूसरा में इथिलीन है, तो दोनों जो रिएक्शंस होगा ये दोनों के रिएक्शंस अलग अलग होंगे। तो ये इट इज़ अ मोड ऑफ रिएक्शंस ऑन विच रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स। थैंक यू वेरी मच।